हाय व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फन और इन्वेंशंस की एक बिल्कुल नई दुनिया में आपको वेलकम करते हैं। आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे अमेजिंग इन्वेंशंस और गैजेट्स को देखने वाले हैं, तो आराम से रिलैक्स होके बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर आप भी इन्वेंशंस की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। नंबर 7, ओवर चार्ज। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस आ गए हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन को बिना पावर केबल लगाए चार्ज कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको यकीनन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगने वाला है। दोस्तों, कुछ खास बात करें इस ओवर चार्ज की, तो इस चार्जर पर आपका मोबाइल फोन फ्लोट करता रहता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। दोस्तों, इस चार्जर की एक और खास बात ये होती है कि आप इसमें किसी भी तरीके का मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं, साथ ही ये टैबलेट को भी उसी मैग्नेटिक फील पर रोटेट करा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये लेविटेटिंग चार्जर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, ई-स्केट्स। दोस्तों, ये है ई-स्केट्स, जो आजकल की जरूरत को समझते हुए बनाए गए हैं। इन ई-स्केट्स में दो इलेक्ट्रिकल इंजन्स मौजूद होते हैं, जिन्हें इनमें लगी लिथियम एंड बैटरी पावर प्रोवाइड करती है। इन कमाल के ई-स्केट्स की मैक्सिमम स्पीड 24 किलोमीटर की है, जो ऐसे ई-स्केट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक बार की चार्जिंग पर ये ई-स्केट्स आपको 24 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा सकते हैं। और तो और, इन ई-स्केट्स की सबसे खास बात तो ये है कि आप इनकी स्पीड को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ई-स्केट्स कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, पेलोड्रोन। दोस्तों, ड्रोन्स के साथ खेलना तो किसको पसंद नहीं, और अगर आप भी ड्रोन्स के साथ खेलने के शौकीन हो तो आपको ये ड्रोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, बेसिकली इसे बनाया गया है फोटोग्राफी पर्पस के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे काफी सारे स्टैंड भी करा सकते हैं, यानी कि आप अपने हाथों से भी इसे टिक ऑफ करा सकते हैं। साथ ही इसे कंट्रोल करना भी बेहद आसान होता है, आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही इसमें VR हैंडसेट कंपैटिबिलिटी भी होती है, जिससे कि आप VR की मदद से लाइव स्ट्रीमिंग को भी देख पाएंगे। दोस्तों, अगर बात इसकी रेंज की जाए तो ये 100 मीटर तक की रेंज में कहीं भी जा सकता है। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल का एक छोटा सा कैमरा भी इनबिल्ट होता है, ये आपको 720 पिक्सल का HD ट्रांसमिशन अवेलेबल कराता है। तो दोस्तों, DJI का ये खास ड्रोन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। नंबर 4, Volkswagen Setrek। दोस्तों, ये बिना ड्राइवर की टैक्सी बटन के इशारों पर बुलाई जा सकती है। ये कार ऑटोमेटिक अपने नए क्लाइंट्स के पास आ जाती है और उसको सही जगह से पिकअप भी कर लेती है। ये टैक्सी 4 इंसानों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है, जो कि मोबाइल लॉन्च में एक दूसरे के सामने बैठते हैं। दोस्तों, ये भी याद रखें कि सेडरिक स्टायरिंग व्हील और पेडल्स के साथ ये कार नहीं आती, इसलिए रूट आपको सेट करना होता है,
और ऑनबोर्ड सिस्टम्स को अपनी आवाज से कंट्रोल करना होता है। ये बिना ड्राइवर के वोल्क्सवैगन पिछले एक्सेल पर 130 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। इसमें फ्लोर के करीब लिथियम एंड बैटरीज रखी हुई हैं, जो कि आपको 350 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने देती हैं। नंबर 3, सेगवे मिनी प्रो। दोस्तों, अगर बात की जाए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स की, तो सबसे पहले आती हैं बाइसाइकिल्स। लेकिन आजकल सेल्फ बैलेंस स्कूटर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है, जो कि इस्तेमाल करने में बेहद इजी और आसान होता है। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 10 मील पर आर तक जा सकती है और आप इसे सिंगल चार्ज पर 14 मील तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल कंट्रोल्ड होने की वजह से ये गैजेट और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। आप नॉर्मली इसके टर्निंग एंगल से लेकर इसकी स्पीड को मोबाइल फोन से सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर दिए गए हैं कुछ और फीचर्स, जैसे कि आप इसको अपने मोबाइल फोन की मदद से लॉक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप बड़े बड़े एरियाज या इंडस्ट्रियल एरियाज में इंस्पेक्शन के दौरान भी कर सकते हैं। इसमें मिलिट्री ग्रेड सोक एब्जॉर्वेशन सिस्टम लगा होता है, जिसकी मदद से आप इस पर राइडिंग करते वक्त किसी भी तरीके का झटका फील नहीं करेंगे। साथ ही इसमें नाइट राइडिंग के लिए कुछ LED लाइट्स भी दी गई हैं, जिनका इस्तेमाल आप इसकी राइडिंग में कर पाएंगे। नंबर 2, लाइफ स्क्रैब एगर स्मार्ट पेन। दोस्तों, हमारी स्टडी में पेन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। किसी भी तरीके के नोट्स बनाने या इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए हमें सबसे पहले पेन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम नॉर्मल ट्रेडिशनल पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पेन दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये एक ऐसा पेन होता है कि जैसे ही आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हैं, ये कंटेंट को डिजिटली फॉर्म में स्टोर करके उसे क्लाउड स्टोरेज में सेव कर देता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये पेन इंटरनेट से भी कनेक्टेड होता है और आपके मोबाइल फोन और टैबलेट से भी कम्युनिकेट करता है। आप इसके ऑफिशियल ऐप पर इस पेन से लिखे गए सारे नोट्स को एक सिक्वेंशियल वे में देख सकते हैं। यही नहीं, आप इन नोट्स को ट्रेडिशनल फॉन्ट में चेंज करके इसे सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का पेन एजुकेशनल पर्पस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे काफी सारे नोट्स होते हैं जिन्हें हमें डिजिटल फॉर्म में चाहिए होता है, जिसके लिए नॉर्मल हम लोग उनकी स्कैनिंग कराते हैं। लेकिन इस तरीके के पेन की मदद से अब आप उन नोट्स को बहुत ही आसानी से किसी के साथ भी शेयर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी खरीदना चाहते हैं इस अमेजिंग से पेन को, तो जरूर क्लिक करें और जरूर बाय करें। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, लेविटाइटिंग कप। दोस्तों, यह दुनिया का पहला लेविटाइटिंग कप, जो के दिखने में बेहद कूल लगता है। आप इस कप में चाहे कुछ भी डालें, ये कप हवा में तैरता रहेगा। अब होटल्स इस जैसे कप्स का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, और लोग भी अपने फैंस और फैमिली मेंबर्स को इस मैजिक लेविटाइटिंग कप से सरप्राइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन की मदद से हवा में तैरता रहता है, और आप इसके बेस को चार्ज कर सकते हैं, जिसके बाद ये हवा में आराम से तैरता रहेगा।
तो दोस्तों आपको ये यूनिक टेक्नोलॉजी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है एंड मुझे बताइए इस वीडियो का कौन सा गैजेट आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करके अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो एंड स्क्रीन के इन दो वीडियोस को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।